मैं आया हूँ यहाँ पे बैंकॉक का, ये सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पार्क आया मैं आया। ये देखें एक बहुत ही प्यारा पॉइंट, एक और इंतहाई खूबसूरत पुल यहाँ का, और प्यारा सा पॉइंट ये सारी झील है यहाँ पे। ये पूरी बहुत बड़ी झील बनाई है उन्होंने ना, तो इसके अंदर जो है आप बोटिंग भी कर सकते हैं, कैरी करना ठीक है। यहाँ से आप टिकट परचेज करते हैं, 40-60 बाह का टिकट है। आप टिकट लेके फिर यहाँ पे जाके बोट में बैठ के पूरा पैडलिंग आपको खुद करनी है ना, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आया हूँ यहाँ पे बैंकॉक का, ये सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पार्क आया मैं आया हूँ ना। ये पार्क है, ये थाईलैंड का मैं कहूँगा कि सबसे खूबसूरत पार्क है, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह गया हूँ, बहुत सारे मुल्कों में, यूरोप में, हर जगह, अमेरिका में, लेकिन इतना प्यारा पार्क जो है मैं ये कहूँगा कि मुझे भी आज तक दुनिया में और कहीं नज़र नहीं आया। तो इस पार्क की हिस्ट्री जो है, इस पार्क की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ के जो थाईलैंड के जो 9वें बादशाह थे उनकी एजाज़ में बनाया गया है ना। उनकी 60वीं सालगिरह थी, तो उनकी 60वीं सालगिरह के मौके पर पब्लिक और रॉयल इंस्टीट्यूशन ने पैसे जमा करके, डोनेशन करके ये जो है पार्क जो है तामीर किया 1987 के अंदर। और इसका अफ्तिताह भी खुद यहाँ के 9वें बादशाह रामा 9 ने खुद अपने हाथों से इस पार्क का अफ्तिताह किया था। तो ये पार्क जो है यहाँ पे इन्होंने इसमें रिसर्च सेंटर भी बनाया हुआ है प्लांट्स लाइफ के बारे में, और आपसे इसको ये यहाँ बॉटनिक गार्डन भी है, तो साइंटिफिक लिहाज से भी इस पार्क की काफ़ी यहाँ पे अहमियत है। और ये थाईलैंड का बैंकॉक का जो है मैं कहूँगा लार्जेस्ट पार्क भी है, यही है ना। तो अभी आप मेरे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड, और ये कि आपको मैं अपने साथ ये पार्क घुमाता हूँ, ठीक है। ये देखें एक बहुत ही प्यारा पॉइंट, एक और इंतहाई खूबसूरत पुल चारों तरफ, ये देखें आप, बहुत ही प्यारे पुल हैं, बहुत ही प्यारा स्पॉट है। बस ये इतने प्यारा खूबसूरत पार्क है कि अपनी आंखों से देखेंगे तो ही आपको इसकी जो है खूबसूरती पे वो होगा।
अभी भी अच्छा खासा धूप का टाइम है, हालांकि मगरिब करीब ही है, लेकिन सूरज जो है बिल्कुल आंखों में पड़ रहा है। सब बच्चों का खेलने का एरिया, बच्चों का प्ले लैंड, सारे खिलौने, झूले वगैरह। ये एक यहाँ का और प्यारा सा पॉइंट, ये सारी झील है यहाँ पे। ये देखें, ये कबूतर सारे हैं यहाँ पे। ये झील है, ये पूरी बहुत बड़ी झील बनाई है उन्होंने ना, तो इसके अंदर जो है आप बोटिंग भी कर सकते हैं। देखें, साथ ही में यहाँ पे कैफे बना हुआ, सब कुछ है, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे अगर अपना ट्रिप करते हैं, बहुत ही प्यारा पॉइंट है इवनिंग स्पेंड करने के लिए या पूरा डे स्पेंड करने के लिए, अगर आप चाहते हैं इसको पूरी तरह घूमना, क्योंकि पार्क इतना बड़ा है कि मैं नहीं समझता कि मैं इसको पूरा कवर कर पाऊँ। तो ये अभी हम आ रहे हैं इसका पॉइंट, जहाँ से आपने टिकट परचेज करना होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ लाइन लगी हुई लोगों की, ये टिकट परचेज करके बोट का ना। ठीक है, तो इसकी प्राइसिंग वगैरह देख लें, ये है 40 मिनट्स के 60 बाट। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है लोग चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप टिकट परचेज करते हैं, 40-60 बाट का टिकट है। आप टिकट लेके फिर यहाँ पे जाके बोट में बैठ के पूरा पैडलिंग आपको खुद करनी है ना। ठीक है, तो बैठ के यहाँ पे आप पूरे इस झील को पूरा भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप लोग रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं, ड्रिंक्स वगैरह। यहाँ पे इनके पास इंग्लिश गार्डन,
ओके गाइस, तो शाम ढल रही है और मेरा जो है इस पार्क का दौरा जो है फिनिश हो रहा है। ठीक है, बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये पार्क, और ये है कि जो भी आप लोगों की राय हो, जो भी आप लोगों का ख्याल हो, मुझे आप बताइए, कमेंट्स करें। और मेरा चैनल आपने अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस तरीके से ही आपके लिए आगे भी इस तरह कंटेंट आता रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।